चुनावी कार्यक्रम दंगल के बोल में झारखंड के राजधानी रांची से आपका स्वागत है। ये एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है। देश के खनिज के कुल खनिज का लगभग 43% संपदा इसी राज्य में पाया जाता है। तो जाहिर तौर पे तमाम राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि यहाँ पे किसका वर्चस्व हो, किसका आधिपत्य हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो। जो वर्तमान सरकार है उसने कैसा काम किया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हैं हम हरमू मैदान में, हम अन्य इलाकों में भी आपको ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं जनता से कि इस बार जनता का मूड क्या है और क्या आधार होगा इस बार वोटिंग का, क्या एजेंडा होना चाहिए इस बार वोटिंग का, क्या लगता है? हमें तो लगता है कि अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ है या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण है, और केंद्र की सरकार जो मोदी जी की सरकार है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है अभी, और खासकर युवा जो देश दुनिया के बारे में सोचते हैं उन लोगों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा जो यहाँ झारखंड की सरकार है, ओवरऑल अगर देखें हम लोग हर जगह जाने आने का मौका मिलता है, तो कुल मिला के यहाँ का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, और देश की सुरक्षा को लेके जो अभी हो रहा है उसको लेके ये मुद्दा हमें लगता है, हम लोगों को लगता है, यूथ को लगता है कि ये मुद्दा पहले स्थान पर रहेगा। ये बताइए, इनके बातों से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं कि देश का सुरक्षा जो है सबसे जरूरी है। जरा हाथ उठा के बताएं। जरूरी है। अब हम ये जरूर है कि कैसा काम हुआ, लोग उसको जो है सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी दिया जा रहा है वो देश की सुरक्षा को दिया जा रहा है। पुलवामा में जो अटैक हुआ और उसके बाद जो फिर रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक हुआ, इसको लोग जो है प्रथम स्थान पर रख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा एजेंडा इस बार होने वाला है और देश मान सम्मान के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और ये शायद एक बड़ा एजेंडा हो सकता है, यहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन हम और लोगों से भी बात करेंगे, और क्या इश्यूज है, इम्प्लॉयमेंट या फिर जो है आप देखें महंगाई, ये बताया जा रहा था कि जीएसटी जो है उस पर भी नाराजगी जताई जा रही थी, अन्य और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर लोग जो है सोच रहे हैं या सोचेंगे? ये सारा मुद्दा इस समय गौन हो गया है, सारा मुद्दा गौन हो गया, सबसे ऊपर आ गया है देश और सेना। देश और सेना के पक्ष में जो रहेगा सरकार और जनता उसके साथ रहेगी। सही बात। देखिए तालियां बज रही है इस मुद्दे पे, देश की सुरक्षा पे किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो, और ये सरकार ने दिखाया है, इसका रिफ्लेक्शन उन्होंने सरकार ने दिखाई है, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी है, संतोष है, कॉम्प्लेसेंट फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। अब हम जो है और कुछ यूथ से बात करेंगे जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, ये बताइए कि और क्या क्या इश्यूज है, पिछले 5 साल में सरकार ने ऐसा कौन सा उपलब्धि हासिल किया है या कौन सा काम किया है जिसको आप उंगलियों पे गिनवा सकते हैं यूथ के लिए या अन्य लोगों के लिए? अभी तो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक में जीत हासिल की है, देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया उसने। लेकिन देखा जाए तो जो सीट्स होता है प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, सीट्स बहुत कम है और यहाँ पर जॉब के लिए लोग बहुत ज्यादा है। तो एक एम्प्लॉयमेंट इशू है ये बता रहे हैं कि ठीक है, देश की गरिमा जो है वो सबसे सर्वोच्च है, उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं यूथ के लिए इशू है और इस बारे में वो सोचते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन है, आपसे हम जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा काम हुआ पिछले 4-5 साल में। अब चुनाव आ चुका है, चुनाव सर पे है और लोग वोटिंग करने जाएंगे तो उनके दिमाग में एट द बैक ऑफ माइंड ये होगा कि सरकार ने ये अच्छे काम किए और ये काम नहीं किए, उसके आधार पर वोटिंग होगी। तो क्या अच्छे काम किए और क्या कमियां रही? मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर रहे तो हमारा देश जो सोना की चिड़िया कहा जाता था वह होकर के रहेगा। लेकिन अगर इसको हम आप जैसे आदत से लाचार हैं कि ना हम बात सबके मानम भूत हो गिराए, तब तो ऐसा जो आपको प्रेजेंट बताते हैं हमको एक बार और मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? मोदी साहब को एक बार और मौका मिलना चाहिए देश को साबित करने के लिए और युवाओं को आगे बढ़कर के उनको हाथ मजबूत करने के लिए। मोदी साहब को हमेशा आगे रख करके ये सोचे कि यही एक व्यक्ति है जो देश में कर्ज लाया है, देश में उत्थान लाया है, सब जगह काम हो रही है, गरीबों को घर मिल रहा है, शौचालय बन रहा है, रोड नालियां बन रही है, कहाँ नहीं बन रहा है, सब बन रहा है, देश में सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये बताइए विकास को लेकर कितना काम हुआ, कौन बताएगा? विकास हो पाया पिछले 4-5 साल में? सरकार की पॉलिसी किस तरह की रही है? जी विकास तो हुई है। आप कहीं भी देखिए गांव जो गांव है शहर, आज तो कांग्रेस का जब सरकार था तो कोई नहीं बोलता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, सब बोलते थे कांग्रेस में राज चल रहा है, नाम बच्चा से बच्चा नाम उसका नहीं था। आज पूरा ऑल इंडिया में कोई भी छोटा बच्चा को अभी उठा कर पूछ रहे हैं तो आपका बोल रहे कौन शासन कर रहे, मोदी। तो इतना काम हो रहा है गांव में भी देखिए, टाउन में भी, कहीं भी देखिए, सब जगह काम हो रहा है। तो देखिए एक बड़ी बात ये कह रहे हैं, साफ तौर से इनका मानना है कि यूपीए 2 में या यूपीए 1 में पीएम जो थे वो डिफेक्टो शैडो पीएम थे, पीछे से कोई और रूल करता था। कम से कम देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने फैसले खुद लेता है और आगे बढ़ता है और फिर किसी की सुनता नहीं है। जब कुछ करने की ठान लेता है तो वो कुछ सुनता नहीं है। एक यहाँ पे जो है वेब है और लगता है कि जो भी उन्होंने कुछ कमियां भी अगर खामियां भी रही है तो उसको ओवरशैडो किया है। हाल के दिनों में फॉरेन पॉलिसी जो उनका रहा है या फिर जो रिटेलिएशन का तरीका रहा है और जिस तरह से देश की गरिमा और अस्तित्व को उन्होंने अस्तित्व के मुद्दे पे जिस तरह से एक्ट किया है तो वो कहीं ना कहीं आगे आया है। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया है और क्या लगता है सरकार का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, क्या एजेंडा रहने वाला है इस बार वोटिंग का? देखिए सीनियर सिटीजन के लिए तो पिछले 5 साल में बहुत कुछ काम हुआ है। लोगों ने एक तो कि सबसे पहली बात तो इनकम टैक्स पिछली बार दिया था उसके चलते, प्लस सीनियर सिटीजन के लिए वो एक सीनियर सिटीजन अपनी सेविंग बैंक में अकाउंट खोला है जैसे मिनिमम 8% उसमें मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जैसे स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ सेक्टर में सीनियर ने काफी रियायत दी उसमें, मतलब काम हुआ है, काम हुआ है सरकार को, पूरे मार्ग से है सरकार का काम हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और खास करके अभी जो समय है देखिए लोगों का साफ तौर से कहना है कि आखिर 5 साल में वो कितना डिलीवर करेंगे, जितना कर सकते थे। डिलीवरी मैकेनिज्म जो है केंद्र सरकार का अच्छा रहा है, अच्छी योजनाएं लाई गई है यहाँ पे। एक ये सिर्फ ऐसा जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है सिर्फ रांची की बात नहीं, मैं पिछले 5-6 महीने में कई जगह घुमा हूँ, जैसलमेर, जोधपुर, झांसी वगैरह, तो हर जगह हमने देखा है कि जमीनी स्तर पर कुछ न कुछ काम हो रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सब जगह। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो सर बोल रहे हैं, हमको मौका दीजिएगा तो आप बताइए क्या क्या। पहला तो कोई राजनीतिक पार्टी से हम है नहीं, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बिलोंग करते हैं, हम एजुकेशन लाइन से और हॉस्पिटलिटी हम लोग का बिजनेस होता है। हाँ। तो हम न्यूट्रल तरीके से अपना एक बात बताना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में आपके माध्यम से सोसाइटी के अंदर में हम लोग का काम एक गरीब आम आदमी का घर तक का पहुंच है, एजुकेशन के लाइन से फील्डिंग है, इसलिए हम लोग देखे घूस के अंदर में कि एजुकेशन के नाम से पैसा खर्चा करने के लिए स्टूडेंट के पास पैसा है ये नहीं है, सारा स्टूडेंट का मेंटेलिटी बना हुआ है, खाना पीना रहना इवन नौकरी चाकरी सब सरकार घर बैठे पहुंचा के दे, तो उसका वजह ये है कि इम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं आ रहा है, किसी के पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आ नहीं रहा है, जिसके कारण कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, मेंटेलिटी ऐसा बना हुआ है खासकर लेडीज लोग का, जेंट्स तो कुछ अपना स्तर से ये बताइए महंगाई वगैरह कितना बड़ा इशू? नहीं महंगाई का जो है वो न्यूट्रल स्तर पर चल रहा है, लेकिन महंगाई पहले के परिसर 10% महंगाई होती थी, 11% होती थी, अब आज के युग में 3.4% महंगाई है, कोई ज्यादा महंगाई नहीं है और इकोनॉमिक महंगाई पहले के तुलना में कम है, लोगों को प्राइवेट काम में ज्यादा जॉब मिल रहा है। अब मोदी जो है स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, अब ये जो सरकारी नौकरी जैसे कि होता था बैठे रहना, अब क्या हो रहा है कि लोगों खुद वर्क कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, तो ये लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आई है, नौकरी आपको खोजने की जरूरत नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं अगर आप खुद स्किल्ड होते हैं तो आप खुद को रोजगार दे सकते हैं। आप 14 की बात ले लीजिए और आज की डेट में ले लीजिए, जहाँ आप रहते हैं अपने अगल बगल घर में कोई भी 5 घर चुन लीजिए और आप जिससे किसी भी घर में कोई भी आजकल लड़का नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड है, सब कहीं ना कहीं कहीं काम कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे कहीं भी हो, तो ये कैसे हुआ? जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तब तो काम हुआ। आज के समय कोई अगर कह रहा है कि अनएम्प्लॉयड है तो सीधा सा बात है कि वो भारत विरोधी है, वो डेवलपमेंट नहीं चाहता है, और जो अनएम्प्लॉयड बात है तो आज के समय कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं, भले उसका सरकारी नौकरी नहीं है प्राइवेट है, मोदी का काम रोड पर दिख रहा है। देखिए मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, मोदी जी बस एक ही काम किए हैं,
कि जागृति लोगों में अवेयरनेस जो हुआ है ये इतना बड़े पैमाने पर हुआ है, जो बच्चा है जो 18 साल का है 16 साल का है उसके अंदर में भी ये एक जागृति आया है कि हमें कुछ करना है, कुछ नया चीज करना है, मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि हम नौकरी दे सके। तो ये जागृति जो है ये मोदी जी के आने के बाद आया है और ये बड़ी बात है। सरकारी नौकरी भले हो या ना हो लेकिन लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आई है, वो अपना खुद का खुद कुछ ना कुछ कारोबार जरूर कर रहे हैं। तो अब जो है हम दूसरे इलाके में भी जाएंगे, HEC का जो इलाका है वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पे क्या समस्याएं हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी है, शहरी क्षेत्र है, रांची संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ जनता का मिजाज क्या है इसके बाद वहाँ भी हम भापेंगे।